मानव प्रकृति द्वारा पैदा किए गए हजारों लाखों जीवों में एक अद्भुत जीव है। सभ्यताओं के विकास के साथ कुछ जनजातियां विकसित होती गईं और कुछ सभ्यताओं की इस दौड़ में बहुत पीछे रह गई। सौरिया पहाड़िया एक ऐसी ही जनजाति है। ये झारखंड प्रांत के संथाल परगना क्षेत्र में निवास करती है। कहा जाता है इस जनजाति की उत्पत्ति सांवला पहाड़ से हुई है, इसीलिए इन्हें सौरिया पहाड़िया कहा जाता है। सौरिया पहाड़िया बहुत बहादुर होते हैं। ये अपने दुश्मन का सामना पारंपरिक हथियारों से बड़ी दिलेरी के साथ करते हैं। अनेकों प्रयासों के बावजूद भी कभी सौरिया पहाड़िया जनजाति को गुलामों का जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सका। ये अदम्य साहस के प्रतीक है। जंगल और जीवन एक दूसरे के पर्याय हैं। जंगल से ही हमें फल फूल, विभिन्न तरह के खाद्य पदार्थ, औषधियां और जड़ी बूटियां प्राप्त होती हैं। सौरिया पहाड़ियों के लिए भी जंगल उनके जीवन का पर्याय है। ये लोग घने जंगलों में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इन जंगलों के बिना इनके जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सौरिया पहाड़िया मुख्यतः पहाड़ों के ऊपर और सुदूर जंगलों में निवास करते हैं। ये अपनी झोपड़ियां पहाड़ की दुर्गम चोटियों एवं पहाड़ी ढलानों पर बनाते हैं। इनके आवास एक कतार में एक दूसरे के समानांतर होते हैं। इनके आवासों को अड्डा कहा जाता है। इनके घरों में आम तौर पर एक से अधिक दरवाजे होते हैं, लेकिन खिड़की एक भी नहीं होती। ये छोटी छोटी झोपड़ियों में रहते हैं। ये झोपड़ियां ही इनके सारे क्रियाकलापों का केंद्र होती हैं। खाना पीना, सोना, मवेशियों को बांधना, सब कुछ एक ही घर में होता है। इनके घरों की बनावट भी इनके स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित करती है। ऐसे में साफ सफाई का ध्यान रख पाना बहुत मुश्किल काम है। स्वच्छता का यही अभाव इनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है। स्वच्छ वातावरण एवं खान पान का मनुष्य के स्वास्थ्य से गहरा संबंध है। संयमित जीवन से प्रकृति द्वारा पड़ने वाले दुष्प्रभावों से बचा जा सकता है। पीने का पानी भी इनके लिए एक गंभीर समस्या है। ये आम तौर पर पहाड़ी झरनों से पानी प्राप्त करते हैं। ये झरने बहुत साफ नहीं होते। जंगली पौधों के पत्ते, कीड़े मकोड़े इन्हें दूषित कर देते हैं। मवेशियों को पानी पिलाने, साफ सफाई और स्नान के लिए भी ये इन्हीं झरनों का सहारा लेते हैं। ऐसे में दूषित पानी का प्रभाव इनके स्वास्थ्य पर पड़े बिना नहीं रह पाता और ये पानी जनित कीटाणु से पैदा होने वाली बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। जहां तक हेल्थ का सवाल है, जहाँ पीने के पानी की कमी है, स्वाभाविक है कि नहाने के पानी की भी कमी होगी और प्रतिदिन स्नान कर नहीं पाते हैं उसके चलते, और थोड़ा रहने के जो
बहुत पुराने तौर तरीके हैं, अंधविश्वास के तरीके हैं, उसके आधार पर भी उनके यहाँ काफ़ी तरह की बीमारियाँ पाई गई हैं। इसके अलावा चूँकि वे पहाड़ पर रहते हैं, उन पहाड़ पर जो उसका भौगोलिक कारण है, जो भूगर्भीय कारण है, उसके चलते हम उनको चापाकल नहीं दे पाते हैं, उन्हें कुआं नहीं दे पाते हैं, अगर कुआं काटेंगे तो उसमें पानी नहीं निकलता है। तो उनके जो परंपरागत तरीके हैं, पहाड़ों से बहुत जगह झरने गिरते हैं, नाले बहते हैं, उनको उपयोग करके और हम लोगों ने ये स्कीम लिया और कुछ जगह हम कार्य भी करा रहे हैं कि झरनों के बगल में उसका इंटेक वेल का निर्माण किया जाए ताकि ज़्यादा मात्रा में पानी वहाँ रुका रहे और उसका वह लोग उपयोग कर सकते हैं। उचित मात्रा में कैलोरी युक्त खाद्य सामग्री का अभाव भी इन्हें मक्का और बाजरा को उबालकर खाना इनका मुख्य भोजन है। बरबट्टी एवं अरहर के कच्चे दानों को खाकर भी ये अपनी भूख को शांत करते हैं, इसीलिए आम तौर पर ये लोग कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। बच्चों पर इसका प्रभाव ज्यादा गंभीर होता है। मदिरा पान इनके जीवन की दूसरी बड़ी समस्या है। यहाँ महुआ के फूलों से मदिरा बनाई जाती है जो हर जगह उपलब्ध है। इनकी दिनचर्या का अत्यधिक समय इसी के सेवन में व्यतीत होता है। शराब का सेवन इन्हें मानसिक, शारीरिक एवं आर्थिक स्तर पर पंगु बना देता है, फलस्वरूप ये इसके कुप्रभावों से नहीं बच पाते। गरीबी और अशिक्षा इनकी समस्याओं को गंभीर बना रही है। ये मुख्य रूप से जिन बीमारियों का शिकार होते हैं उनमें खून की कमी अहम है। टीबी, कालाजार, मलेरिया, मेनिनजाइटिस और चमड़ी का रोग जैसे खुजली, एक्जिमा, कुष्ठ इत्यादि।